पकोड़े, पकोड़े तो बहुत किस्म के होते हैं, सब्जियों के, ब्रेड के, आलू के, प्याज के, परंतु हम आज बनाएंगे प्याज के पकोड़े। प्याज के पकोड़े आपने भी बनाए होंगे, परंतु मैं आपको जो सिखाऊंगी वो अलग किस्म का होगा, जिसे आप कुछ दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अचानक मेहमान आ जाए, बच्चे हो या आपको कभी भूख लगे, तो 5 मिनट में आप स्नैक्स तैयार कर सकते हैं, आपको कोई हड़बड़ी करनी नहीं पड़ेगी। अब देखिए पकौड़ों के लिए हमें क्या चाहिए। मीडियम साइज के प्याज चाहिए, 2 प्याज हमने लंबे काटे हैं, 2 प्याज पतले काटे हैं। अब इसके लिए और सामग्री चाहिए, अखा धनिया, थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्ची, पकौड़े का सोडा, धनिया मिर्ची का बुरका। और अब ये है हमारा बेसन नापने का स्पून, इसमें हमने 1 स्पून डाल दिया है और आधा स्पून हम और डालेंगे। ये बेसन बनाने के लिए हमने पहले से ही कुछ गर्म पानी करके रखा है, अब थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी डालिए, जैसे इसमें कोई गांठ न बन जाए, क्योंकि गांठ बनने से पकोड़े अच्छे नहीं बनते हैं। इसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करते जाइए। अब देखिए हमने घोल तैयार कर दिया है, बेसन में एक भी गुठली नहीं है, और बेसन देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए, जैसे बेसन गिरते ही रिबन बन जाए, क्योंकि पतले बेसन से पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालिए नमक स्वाद अनुसार, उसके बाद पकोड़े का सोडा, पकोड़े का सोडा बहुत थोड़ा ही पड़ता है, चिपटी भर। लाल मिर्ची भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद आती है हल्दी। हल्दी थोड़ी इसलिए डालते हैं कि जैसे गैस ना हो जाए पकोड़ा, बेसन क्या है गैस करता है, इसके लिए हल्दी डालने से आपको बेफिक्र होके पकोड़े खा सकते हैं, कुछ नहीं होगा। और अब डालते हैं अखे धनिया। अखे धनिया से इसका स्वाद भी अपना आता है। 1 चम्मच भर आप धनिया डाल सकते हैं। और उसके बाद डालिए आप थोड़ा ताजा कटा हुआ धनिया और मिर्ची। ये सब डालने के बाद अब इसमें आप अपना कटा हुआ, जो महीन कटा हुआ प्याज है वो डाल दीजिए। ये सब प्याज डालने से उसके बाद हमें इस घोल को अच्छे से मिक्स करना है। अब इस घोल को मिक्स कीजिए। देखिए हमारा बेसन कितना गाढ़ा है, गाढ़ा होने से ही पकोड़े अच्छे बनते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करिए। और अब हम गैस ऑन करते हैं, मिक्स करते करते गैस घी तेल गर्म होने लगेगा। जैसे ही तेल गर्म होगा हम आपको दिखाएंगे कि पकोड़े कैसे डाले जाते हैं। अब देखिए हमारा बेसन का घोल में सब मसाले और प्याज मिक्स हो चुके हैं, अब तेल भी गर्म हो चुका है, और मैं अब बड़े बड़े पकोड़े चम्मच भर के इसमें तलने के लिए डाल रही हूं। अब देखिए पकोड़े तैयार हो गए हैं, हम इन्हें निकाल रहे हैं, ये बड़े हैं। अब इन्हें अच्छे से हमें निकाल के एक प्लेट में ठंडा करने के लिए रखना है। ये गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। अब हम इसी तरह और भी घोल के पकोड़े फ्राई कर लेंगे। इसे अब ठंडा हो गए हैं, अब इसे हम छोटे टुकड़ों में काटेंगे। इस तरीके से हमें छोटे टुकड़ों में इसे काटना है। अब हमने ये पकोड़े जो इस तरीके से बड़े बनाए थे वो छोटे छोटे करके काट लिए हैं। अब हम इसे फिर से दोबारा फ्राई करेंगे, और यहाँ पर अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे, जैसे ये खस्ते हो जाए। और
और इसे हमें घुमाते रहना है हल्के हाथ से, जैसे टूटे भी नहीं। और थोड़ा और ब्राउन होने तक इसके फ्राई होने दीजिए और उसके बाद निकाल लीजिए। अब हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब इसे भी हम निकाल रहे हैं। अब हमने जैसे पहले पकोड़ों के लिए घोल बनाया था, इसमें भी हमने घोल बना दिया है। और ये देखिए, इसका भी घोल हमारा गाढ़ा ही है, क्योंकि और घोल में कभी भी प्याज पहले नहीं डाल के रखने का है, क्योंकि प्याज पानी छोड़ता है, तो हमारा जो ये घोल है वह पानी पानी हो जाएगा। ये हमने माप का 1 चम्मच लिया है और 1 चम्मच घोल बनाया है। अब इसमें हम उसी तरीके से स्वाद अनुसार नमक, चुटकी भर सोडा, सोडा हमें पकौड़ों को खस्ता करने के लिए डालनी पड़ती है, ये थोड़ा सा लाल मिर्ची, ये धनिया और हरी मिर्ची कटी हुई, और थोड़ी सी हल्दी। अब हम डालेंगे इसमें प्याज, और प्याज डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने तेल जो गर्म करने रखा है, ये पकौड़े हम हाथ से डालेंगे, क्योंकि अब तेल गर्म हो चुका है और हमारा ये जो लंबा कटा हुआ प्याज था वो भी घोल में मिक्स हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में डालेंगे, इसे भी खस्ता होने तक पकने देना है, और यह सिर्फ एक ही बार में हो जाएगा। अब इसे देखिए कुछ देर तक क्रिस्पी होने तक फ्राई होने दीजिए और कुछ देर बाद घुमाते रहिए। अब हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब हम इसे निकालेंगे। देखिए, इसे कहते हैं लच्छेदार पकोड़े। खाइए। अब देखिए, हमारे दोनों किस्म के पकोड़े तैयार हो गए हैं। और ये इस तरह के बड़े पकोड़े हम बना के रख सकते हैं फ्रिज में। आप डब्बे में डाल के रखिए, 2-4 दिनों बाद खाइए, आराम से टेस्ट कीजिए और बताइए कि आपको ये हमारे बनाए हुए पकोड़े कैसे लगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए।